हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। इनऑर्गेनिक आपने ये देख लिया है। मैं अभी जो बना रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको दूंगा जहाँ से आप याद कर सकते हैं। सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से आप अच्छे से डाउनलोड कर लो। बहुत लोग, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा, प्लीज़ एक बार इंटरनेट का कनेक्शन देख लो। मैं यहाँ से पूरा देख चुका हूँ, अपने काफ़ी स्टूडेंट से पूछ चुका हूँ, सभी ने मुझे एक ही बात बोला कि सर डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट चल रहा है। आप एक बार उसको चेक कर लो, ठीक है। अगर आप किसी क्रोम में अगर कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी और ब्राउज़र में भी देखो, सभी में ओपन हो रहा है। और पहले हम इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने बताया था क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में मैंने गलती से कॉपर लिख दिया था, जो आयरन है। मैंने ये सभी का नोट्स दिया है, आप चाहो तो वहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, वो सभी कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे पूरा का नोट्स दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में है। अगर आप उसको भी अच्छे से रीड करके चल जाओगे तो इनऑर्गेनिक में हो सकता है फुल मार्क्स स्कोर कर लो, क्योंकि वो फुली नोट्स है। और जो सजेशन है उसमें से आप सेलेक्ट करके भी पढ़ सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक सजेशन है, इसका मुझे लगता है कि इसका चांसेस हाई है आने का, मगर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस वे से प्रिपेयर करता हूँ लास्ट मोमेंट में, ये उसका एक सजेशन है। ये जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का नोट्स है, जो मैंने एक जगह बना दिया है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पर्टिकुलर दे दिया है, ठीक है। मिनरल्स का डेफिनेशन, ओर्स का डेफिनेशन, मेटलर्जी का डेफिनेशन, सब यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंसिपल ओर्स पूछते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर क्या है, आयरन का क्या है, कॉपर का क्या है, सिल्वर का क्या है। मैंने नाम के साथ फॉर्मूला भी लिख दिया है। मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मैंने दे दिया है। मैग्नेटिक लीचिंग मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। आप बोल सकते हैं सर ऑयल फ्रॉड फ्लोटेशन भी आपने नहीं दिया है, लास्ट ईयर आया इसीलिए मैंने नहीं दिया, मगर फिर भी गिव अ लुक, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब मैंने आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सब ये पेपर मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लो। थर्मल रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर कितना लिखना है एग्जाम में, क्या करना है, ये है। अगर आया तो आयरन ये लिखना है। बाकी का और भी एक्सट्रैक्शन है, जो मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। इसके अलावा आप बाकी भी पढ़ सकते हो। मैं जितना भी हूँ मैं सब का भी नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जोन रिफाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, इसको आप देख लेना। ये आपका मेटलर्जी का नोट्स हो गया, जो मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ये हमारी ट्रांजिशन की बुक है, जो हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को देते हैं और इंटरनल यूजेस के लिए रखते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे, इसमें बहुत अच्छे से सब इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको पी ब्लॉक का पढ़ना है तो आप इस पूरे को पढ़ सकते हो अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सभी ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पी ब्लॉक बोल के देखो, सभी का लिखा हुआ है क्या है, बहुत शॉर्ट में, जहाँ से आप क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ के कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन में क्या क्या है, देखिए जैसे ये नाइट्रोजन में प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या। आप एक बार इसको रीड ज़रूर करो। आप अगर इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हो तब भी मैं बोलूँगा ये पूरा रीड करके जाने। अगर कुछ पूरा में से अगर कुछ और भी आया तो आप यहाँ से उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अमोनिया के लिए मैंने बोला है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है अमोनिया इम्पॉर्टेंट है, तो आप अमोनिया यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो अमोनिया का कैसे प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस से कैसे होता है, क्या प्रेशर यूज़ होता है, आपका यूजेस क्या है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, ठीक है। फुल पी ब्लॉक, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड, देखो मैंने बोला है ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया है। ये मैं सभी आपका ये पूरा अच्छे से स्कैन करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको पढ़ो। जितना भी हेल्प हो पाए, किसी से डरो मत, किसी सब्जेक्ट से डरो मत। ये मार्क्स आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ में हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगता है देख के, कुछ भी पूछना है करो, अच्छा लगता है कमेंट करो वहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को देखो यहाँ पे। अभी आ गया ये ग्रुप 16। ग्रुप 16 में मैंने क्या इंपॉर्टेंट लिखा, देखो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मगर सब के ऊपर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा है। ये पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देख लो यहाँ पे पूरा सल्फर के बारे में, यहाँ पे ओजोन के बारे में, अब सभी सब वहाँ पर दिया है। आप अच्छे से इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। ग्रुप 17 में ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन ओवर देयर। अच्छे से देखो, एंड तक देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाइपोक्लोरिक एसिड डिस, ठीक है। इससे पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप हम लोग के प्लेलिस्ट ISC इम्पॉर्टेंट सजेशन में देख सकते हो। और प्लस मैंने एक पूरा केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया है समझाने के लिए कि कैसे करके क्या पढ़ना है, ठीक है। क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ देखो पूरा जीरो ग्रुप के बारे में दिया है। क्लियर है, आ रहा समझ में। पी ब्लॉक बोल के मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसको आप देख लेना। डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सभी का की कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से एक बार पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना ये पूरे लाइन को। इन शॉर्ट सभी कुछ दिया हुआ है, इतना शॉर्ट में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मुझे बहुत लोगों ने XYZ पब्लिशर की बुक की नाम ली थी, कहीं पे भी इतना सिंपल वे में नहीं दिया हुआ है। मेरा देखा हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ है, जो मैं जितने भी साल से पढ़ा रहा हूँ 17 ईयर्स से, वही एक्सपीरियंस के थ्रू ये बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ देख लो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है, सभी कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, इज इट ओके। बस मैं एक क्वेश्चन का आंसर बोलूँगा, जो आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके प्लीज़ आप इसको लिख लो। ये मुझे इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है और मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट सजेशन में भी दिया है। व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखो पूरा आंसर लिखा है इसका, स्टॉप करके इसको कॉपी कर लो अच्छे से, यहाँ तक आंसर दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। ये भी देख सकते हैं लैंथेनाइड्स क्या क्या डिफरेंट देता है, ये इसका मैंने स्कैन कॉपी वहाँ पे नहीं अपलोड किया है, जो आप सिर्फ यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अभी भी कुछ बचा है जिसको आप लोग देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैंने, आप देख सकते हैं ये सेक्शन को मैंने स्टार्टिंग में ही अपलोड किया था और आप लोगों को बोला था ये आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जिस लोगों ने भी सॉल्व कर लिया है, सब कुछ हो गया है, उन लोगों के लिए ये मैं सॉल्यूशन शीट दे रहा हूँ, जो आप मैच कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन शीट है। ठीक है, सब वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, अच्छे से देख लो। फिर से मैं एक बार इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट सेक्शन का यहाँ पर रख देता हूँ। देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेरा वीडियो यूट्यूब में है, जिसका मैंने लिंक दिया है, आप उसको देख लो। IUPAC नेमिंग हो जाएगा, ये सभी फंडामेंटल वहाँ पर दिया है, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कर दो, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। कल हम लोग ऑर्गेनिक अपलोड करेंगे, मगर इससे पहले इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पूरा कंप्लीट करके रखो। ठीक है, कल हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, जो आप लास्ट मोमेंट में देख के उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।